Hey yo, what's up guys? Welcome back to Hogwarts Gaming. तो क्या हाल चाल है आप सभी का? So दोस्तों, PUBG में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें फाइट छोड़कर सेफ जोन की तरफ गाड़ी उठाकर भागना पड़ता है, पर दोस्तों हम कई बार ऐसे चाहते हैं कि दूसरी गाड़ी उठाकर हमारे जो एनिमी है वो हमें पीछे से अटैक ना करे या वो सेफ जोन तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि फाइट करते करते हमारे पास एमओ कम हो जाती है। सो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास लो एमओ है तो आप कौन सी गाड़ी का कौन सा टायर पंचर करें कि वो रुक जाए। सो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, ये आपके बहुत काम आने वाली है फाइट में और पबजी गेम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी दबा देना नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं यूएजेड की गाड़ी के पास। तो दोस्तों आपको इंजन के साथ जो कनेक्टेड टायर्स होते हैं आपको वो फोड़ने हैं गाड़ी को रोकने के लिए। सो दोस्तों यूएजेड के इंजन आगे है तो आगे वाले टायर हमें दोनों पंचर करने होंगे कि ये गाड़ी रुक जाए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैं पूरी रेस दे रहा हूँ, बूस्ट दे रहा हूँ, पर वो गाड़ी चल नहीं रही है। पर अगर मैं इसके दोनों पिछले टायर फोड़ता हूँ, देखिए दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ ये वाली भी। सो देखिए दोस्तों कितना फर्क है, वो गाड़ी चल नहीं रही थी पर ये ऐसे चल रही है। सो दोस्तों ऐसे ही सेम है अगली गाड़ी में। तो चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो हमारी अगली कार है दोस्तों डासिया, जो कि मोस्ट यूज्ड कार है इन रेंगल मैप। सो दोस्तों इसका भी इंजन वाले जो टायर है वो फ्रंट वाले हैं, तो फ्रंट वाले दोनों मैंने फोड़ दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको इसे भी चलाकर दिखाता हूँ, ये चल ही नहीं रही है। दोस्तों मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पूरा बूस्ट दिया है पर ये फिर भी नहीं चल रही, ये बिल्कुल भी नहीं चल रही। पर इसके अगर ऑपोजिट मैं इसके पीछे वाले करता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सो दोस्तों देखिए ये मैंने पिछले वाले पंचर करे हैं पर ये अभी चल रही है। सो दोस्तों जो इंजन वाले कनेक्टेड थे दोनों गाड़ी के, मैंने वो वाले करे तो बिल्कुल नहीं चलती। पर हमारी अगली कार दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है बग्गी। दोस्तों इसका इंजन पीछे है तो हमें पीछे वाले टायर पंचर करने हैं इसे गाड़ी को रोकने के लिए। सो दोस्तों देखिए पीछे वाले करे तो ये चलेगी नहीं कार। देखिए दोस्तों पहले टायर घूम रहे हैं पर कार नहीं चल रही। पर दोस्तों अगर मैं इसके आगे वाले पंचर करता हूँ तो देखिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो मैंने ये आगे वाले पंचर कर दिए पर दोस्तों देखिए ये अभी चलेगी, वो भी पूरी स्पीड पर चलेगी। सो आपको याद रखना है कि इंजन वाले करने हैं आपको। सो दोस्तों इसके साथ सेम है बाइक का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों बाइक का पीछे वाला जो टायर होता है वो चेन के साथ इंजन से कनेक्टेड होता है, तो हमें बाइक का पीछे वाला टायर पंचर करना है। देखिए दोस्तों मैंने पीछे वाला करा है, ये नहीं चल रहा है। पर दोस्तों इसका अगर मैं आगे वाला करूंगा पंचर तो ये पूरी स्पीड पर चलेगी, वो भी देख लीजिए आप। सो देखिए दोस्तों मैंने आगे वाला करा है पर ये बाइक पूरी स्पीड पर चल रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दोस्तों आपको सिंपल वे में याद रखना है कि इंजन के साथ जो कनेक्टेड टायर्स है आपको वो पंचर करने हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।